हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास ट्वेल्थ और सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, और इस अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में जो इस समय हम कर रहे हैं वो पोर्शन है जो इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड है, और ये अब हमारा एंड की तरफ है, अब खत्म हो रहा है। दो टॉपिक बचते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बचता है और दूसरा बचता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर या डिस्काउंट हो या लॉस हो जो इश्यू डिबेंचर पर है उसको राइट ऑफ करने के लिए सिर्फ हमें जर्नल एंट्री इस बार पास करनी है। इसका एक अकाउंट भी बनता है, पर इस साल हमारा अकाउंट जो है वो कोर्स में नहीं है, तो सिर्फ हमें जर्नल एंट्री कि हम उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे वो सीखनी है। उसको मैं आपकी थ्योरी की क्लास में आपको बता चुका हूँ जर्नल एंट्री, आज उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हम चार्ज करते हैं हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जो हमें पे करना पड़ता है, चार्ज नहीं, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, ये वो बेसिक एंट्री है जो आपको मैं जब मैंने इसका कभी जर्नल कराया था उस समय करा दिया था। ये क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को रिकॉर्ड करना है, और ये वो बेसिक एंट्रीज हैं जो मैंने जब आपका थ्योरी की इसकी क्लास कराई थी जब उसमें करा दी थी। अब इसमें है क्या, देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट मेरा एक एक्सपेंस है और हर एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। किसको देना है वो डिबेंचर होल्डर को देना है, ठीक है। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक पेमेंट कर दी जाती है, और अगर टैक्स है जैसे टीडीएस काटना है, टैक्स आपको डिडक्ट करना है एट सोर्स 10%, तो आप उसको यहां भी रिकॉर्ड करेंगे और उसको पेमेंट भी करेंगे। पेमेंट का मतलब आप उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करेंगे। फिर जो ये डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट होता है इसको ट्रांसफर करना होता है हमें अपने स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। ये तीन एंट्रीज बनती हैं हमारी, और ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखिए कैसे अब इसको हम करेंगे वो देखते हैं। विशेष लिमिटेड इश्यूज 10,000, 10% डिबेंचर, ये 10% मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि यही मेरा इंटरेस्ट है। 100 ईच का एक डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर आपके, एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपकी फिगर निकल कर आती है 10,00,000, जिस पर आपको इंटरेस्ट पे करना हो। अब इंटरेस्ट अगर देखूं मैं तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो 10,00,000 का 10% है, तो पता चला कि वो 1,00,000 रुपए है जो मुझे डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना है। अब बोला गया आगे कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इश्यू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March एवरी ईयर, और उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स भी करना है जिसको हम TDS कहते हैं। 1,00,000 का जितना आपका इंटरेस्ट बैठता है उसका 10% आपने टैक्स डिडक्ट कर लेना है, और जो गवर्नमेंट को फिर आप जमा कराएंगे, तो 1,00,000 का 10% निकालते हैं तो वो 10,000 निकलता है। ये आपको TDS भी काटना है। अब हमें कहा गया कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयरली एंडिंग ऑन 31st March। एक ही हाफ ईयर, मतलब दो बोले थे उन्होंने, एक 30 सितंबर को है, 31 मार्च को, पर उसके हिसाब से 6 एंट्री बैठती क्योंकि 3 एंट्री ये हैं, 3 ही एंट्री और होती, तो क्योंकि क्वेश्चन ही 3 नंबर का है तो 6 एंट्री नहीं कराएंगे, तो उन्होंने जो आखिरी वाला ईयर का हाफ ईयरली था उसको ले लिया, मतलब कि 31 मार्च वाले को ले लिया, और कहा गया कि उसकी एंट्री पास करो। तो आप जितनी भी एंट्री पास करेंगे वो क्या करेंगे 31 मार्च को करेंगे क्योंकि यही आपको बोला गया है। अब ईयर अगर देखूं तो 2020 हो गया क्योंकि ईयर एंड क्या हो रहा है इस डेट को हो रहा है, तो आपको यहां पर डेट भी लिखनी है। पहला काम ये था, इसलिए मैंने डेट डाल दी सारी, अमाउंट मैं कैलकुलेट कर ही चुका हूं। बाद में ये भी बोला गया कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी एंट्री मैं ऑलरेडी नीचे लिख चुका हूं। तो अब हमें एंट्री पास करनी है। देखिए डिबेंचर का इंटरेस्ट कितने का है,
एक लाख का, तो आप यहां पर लिख देंगे एक लाख, क्योंकि टीडीएस काटना है, तो एक लाख में से 10,000 घटाकर डिबेंचर होल्डर को मुझे 90,000 पे करने होंगे, तो वो मैंने डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में डाल दिए 90,000। 10,000 कहां जाएंगे फिर, तो कई सारे लिख सकते हो आप, इसको टीडीएस में भी डाल सकते हो, फिर उसी को पे कर देंगे हम। तो जैसे मैं अभी यहां लिख देता हूं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। नरेशन में आप ये लिखोगे बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है, क्योंकि अभी ड्यू कराया है, पे नहीं किया। अब डिबेंचर होल्डर को क्योंकि 90,000 पे करने हैं, तो मैं बैंक की एंट्री में भी क्या लिखूंगा, 90,000 डिबेंचर होल्डर टू बैंक। जो ये टीडीएस वाला है, इसको आप यहां पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नाम से ही क्लोज करेंगे, क्योंकि यही अकाउंट आपने ऊपर खोला था, यही बंद कर दोगे और बैंक से पे कर दोगे, तो ये एक तरीके से इनकम टैक्स तो नहीं है, टीडीएस है। तो टीडीएस पेबल टू द गवर्नमेंट, वो आपने डिपॉजिट करा दिया, कितना अमाउंट है 10,000, तो आप उस 10,000 को भी बैंक के थ्रू ही पैसा किसके पास पहुंचा देंगे, गवर्नमेंट के पास। तो आपने डिबेंचर होल्डर से टैक्स का पैसा लिया और उस टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया। तो ये हो गया आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलना और उसकी पेमेंट करना। तो यहां हम पे कर चुके हैं। अब जो ये डिबेंचर इंटरेस्ट का एक लाख का अमाउंट है, अब इसको आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। और इस तरीके से हमारी एंट्री क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन, और ये वो तीन एंट्रीज हैं जो हमें करनी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, ये भी यही है, बस हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए 5,000 है, 100 है, तो अगर मैं 5,000 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जहां पिछली बार 10 आया था, आपकी बार 5 लाख आ जाएगा। फिर क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखें तो यहां पर 15% है, तो अब मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट जब निकालूंगा तो मैं कितने परसेंट निकालूंगा, 5 लाख का 15%। जब हम 15% निकालते हैं तो वो 75,000 आता है। फिर कहा गया कि टीडीएस काटो वही 10% की रेट से, तो आप टीडीएस काटेंगे 75,000 का 10% 7,500। तो इंटरेस्ट तो बनता है आपका 75, उसमें से आप टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के अंदर 7,500 लिखेंगे, बाकी आप उसको पे कर दोगे डिबेंचर होल्डर को, तो कितना अमाउंट निकला 68,500। आप फिर 68,500 को बैंक के थ्रू डिबेंचर होल्डर को भी जमा कराओगे, और 7,500 जो गवर्नमेंट के बनते हैं उसको आप गवर्नमेंट के पास भी जमा कराएंगे। तो ये हो गया हमारा उस इंटरेस्ट की पेमेंट करना, दोनों को, डिबेंचर होल्डर को भी, और जो बैंक के टीडीएस जो आपने कलेक्ट किया था डिबेंचर होल्डर का, उसको गवर्नमेंट को पे करने की भी एंट्री आप पास करोगे। फिर जो ये डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट है, उसको कहां ट्रांसफर कर दोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट आपने ओपन किया था वो यहां से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो गई। तो ये था इंटरेस्ट वाला पोर्शन। एक पोर्शन और जो इस बार छोटा सा ऐड है, उसको और इस वीडियो के साथ सीखते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट के साथ हम क्या सीखेंगे कि राइट ऑफ कैसे करें जो डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू है करंट ईयर के अंदर। तो ये क्वेश्चन उसके लिए बनता है। क्वेश्चन कहता है कि 1 अप्रैल 2019 को स्मार्ट लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर, देखिए डिबेंचर कितने हैं 10,000, एक डिबेंचर है 100 रुपए का, तो आप देखोगे 10 लाख रुपए में उसने डिबेंचर इश्यू किए हैं, ठीक है, पर
6% के डिस्काउंट पर है। तो देखोगे आप तो ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी है इसमें। कितना है वो अमाउंट अभी हम निकालते हैं। इस 10 लाख का अगर मैं 6% निकालता हूं तो वो 60,000 निकल कर आता है। तो इतना तो आपने कम में डिबेंचर इशू किए हैं, तो 10 लाख में से 60,000 तो माइनस कर दो क्योंकि आपको इशू की भी एंट्री करनी है। ठीक है, तो जब 10 लाख में से मैं 60,000 माइनस कर देता हूं तो अमाउंट आता है 9,40,000। तो 9,40,000 की एंट्री जो इशू की हम करते हैं बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन हो गई। वही फिर 9,40 आप यहां गलत लिख दिया कि मुझे ये पूरा 10 आता है। जब डिस्काउंट पर इशू होते हैं तो आप यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी यूज कर सकते हो, बट मैं इसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यूज कर रहा हूं। रीजन है कि रिडेम्पशन किस पर है, प्रीमियम पर, तो वो भी मुझे लॉस ही मानना है। वो होता है, आपने देखा था अभी पीछे इससे पिछली वीडियो में कि अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो तो आप उसको लॉस ऑन इशू बोलते हैं। तो अगर दो दो नाम यहां लिखोगे, डिस्काउंट भी लॉस भी, तो उसको राइट ऑफ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। पहले मैं आपको मर्ज करके बता देता हूं, फिर अलग अलग भी बता दूंगा, या पहले मैं अलग अलग बता देता हूं फिर मर्ज। देखिए, सबसे पहले आप यहां डाल दो जितना अभी आपने ये पढ़ा डिस्काउंट, कितना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना है हमारा अमाउंट 60,000, वो लिख दिया। अब मुझे ये जो प्रीमियम पर रिडेम्पशन है इसका जो लॉस है वो भी तो निकालना पड़ेगा। मतलब कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो वो कितना है 10 लाख का 4% उन्होंने बोला है। तो जब मैं निकालता हूं तो ये 40,000 आता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट में तो लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में लिखना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये दो मेरे लॉसेस हैं जो आए हैं, एक लॉस है रिडेम्पशन के लिए और जो ये वाला लॉस है ये मेरा जो मैंने डिस्काउंट पर इशू किए हैं ये वाला, ये उसका है। तो ये तो एंट्री हो गई जो उसने कहा था कि इशू ऑफ डिबेंचर की कीजिए। अब हमें उस राइट ऑफ करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो देखिए, मैंने दो एंट्री कर रखी है इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया, क्योंकि मैं ये दो एंट्री ऑलरेडी कर चुका हूं। आपको क्या करना है, ये अकाउंट डेबिट है इसको क्रेडिट करना है, जैसे मैंने यहां क्या रखा है। ये अकाउंट भी डेबिट है, आप इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या कर देंगे, रूल हमें ये कहता है, ये मैंने बताया है कि कंपनी एक्ट ये कहता है कि पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से उसको राइट ऑफ कीजिए, मतलब कि वहां से पैसा लीजिए। कम पड़ता है तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे। तो मैं अगर देखूं तो देखिए 60 ये है और 40 ये है, और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1,25,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो 60 और 40 तो 1,00,000 ही होते हैं हमारे, तो उसमें कितने हैं 1,25,000। तो ये पूरा का पूरा राइट ऑफ किसमें से हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो देखिए मैंने डेबिट में क्या लिख रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आप 60,000 जो डिस्काउंट है उसके लिए राइट ऑफ कर दोगे, और 40,000 आप जो लॉस है उसके लिए राइट ऑफ कर दोगे। आप चाहो तो इन दोनों को यहां पर मर्ज कर लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर में 1,00,000 रुपए भी लिख सकते हो, तो वो एंट्री भी हो सकती है। फिर अमाउंट सिर्फ नीचे वाली एंट्री में आएगा 1,00,000। तो आप दोनों लॉसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लॉस है एंड लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर भी लॉस है, तो आप उन दोनों अमाउंट को मर्ज कर सिंगल अमाउंट भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा राइट ऑफ करने की एक एंट्री। तो सिर्फ ये एंट्री इस बार पास करनी है, ये तो हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं।
अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले इसी जैसे, तो वहां थोड़ी सी टर्म्स और कंडीशन बदलेंगे। ये कंडीशन क्या कहती है कि देखिए 8000 डिवेंचर मुझे इश्यू करने हैं, एक डिवेंचर 100 रुपए का है, तो अगर मैं देखूं अभी तो ये 8 लाख रुपीज बैठते हैं, ठीक है, तो 8 लाख के मैं डिवेंचर इश्यू कर रहा हूं। अब ये तो परसेंटेज इंटरेस्ट की है, पीछे पड़े तो 6% के डिस्काउंट पर हैं, राइट। अब 6% सिर्फ डिस्काउंट है, यहां पर प्रीमियम पर रिडम्पशन नहीं है, क्या है, सिर्फ एक ही चीज है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, बस एक ही चीज गिवन है इस क्वेश्चन में। तो 8 लाख रुपीज हमारा जो अमाउंट है उसका हमने 6% क्या दिया है, डिस्काउंट। तो जब इसका हम अमाउंट निकालते हैं तो वो 48,000 आता है। तो ये है मेरा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो ऑब्वियसली 8 लाख में से 48,000 कम मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 7,52,000 मिलेंगे। तो आप जो पहली एंट्री बैंक वाली होती है उसमें 752 लिख देंगे, डिवेंचर अकाउंट में 8 लाख रुपीज डाल देंगे, 7,52,000 यहां लिख देंगे और डेबिट साइड में ये अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पर है, तो ओपार पर है, इसलिए लॉस ऑन इश्यू को हम यूज नहीं करेंगे। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और उसके अंदर ये 48,000 दिखा देंगे। तो ये तो हो गई हमारी इश्यू की एंट्री जो इसमें बोली गई है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कहा गया है कि कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, पहले साल में ही आप राइट ऑफ कर दो। कंपनी एक्ट भी हमें यही कहता है कि पहले साल में ही राइट ऑफ होना चाहिए। इट हैज ए बैलेंस ऑफ 25,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अब यहां एक चीज अलग हो गई, पैसा 48,000 देना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सिर्फ 25 है, तो 25 से ऊपर तो वो यूज नहीं हो सकता। तो बाकी जो पैसा बचता है, देखिए ये तो आ जाएगा एसपीआर से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, इसको अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे 23,000 अभी भी बचते हैं, ये कहां से लूं फिर। तो बोला गया है एज पर कंपनीज एक्ट कि ये पैसा फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ले सकते हैं। तो मैं दूसरा कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए लॉस वाला तो क्वेश्चन नहीं है, तो ये एंट्री तो नहीं होगी, एंट्री होगी ये वाली। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आप 25 डाल देंगे क्योंकि इतना ही आपके पास बैलेंस है, बाकी जो 23,000 बचते हैं वो आप लोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टोटल जितना आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था उसको यहां डेबिट कर रखा है, यहां आप उसको क्रेडिट कर क्लोज कर दोगे। डेट गिवन है तो डेट का यूज आपको जरूर करना है जब डेट दी हुई है। ये एंट्री आप ईयर एंड पर कर सकते हो, मतलब कि 2020 मार्च 31 को कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो क्लोज हो जाता है और ये ही हमारा ये क्वेश्चन हमें बताता है। तो ये एक एंट्री है जिसको आपको समझना है। पिछले केस में अगर हम जाएं तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इतना अमाउंट था कि वो इन दोनों को पे कर पा रहा था, तो मैंने पूरा यूज कर लिया था। जब इस क्वेश्चन में हम आए तो यहां आपको कमी पड़ी कितने की, 23,000 की, तो कहां से ले लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि राइट ऑफ कैसे करोगे आप, और इस तरीके से डिबेंचर और पूरी कंपनी हमारी आज यहां पर समाप्त होती है। थैंक यू।